फ्रेंड सबकी मॉर्निंग नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईयर सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड वाइस साहब द्वारा दी गई 38 रेमडी में से रेमडी नंबर 36 के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 35 रेमडी के ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सभी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएंगी। सभी वीडियो अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। निश्चित तौर पर सभी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे वीडियो में बताते हैं कि डॉक्टर एडवर्ड वाइस साहब ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग इन रेमडीज के रिसर्च के ऊपर उन्होंने दिया है। आज उन्हीं की देन है कि ये रेमडीज ऐसे ऐसे रोगियों को ठीक कर रही हैं जिसको कि वर्तमान चिकित्सा पद्धतियां ना बोल देती हैं, ये कह देती हैं कि बीमारी ठीक ही नहीं होगी। ऐसी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती हैं डॉक्टर एडवर्ड वाइस साहब की जो रेमडीज हैं। फ्रेंड्स हम आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं, लोगों में गलत भ्रांतियाँ हैं कि डॉक्टर साहब की जो रेमडी है वो सिर्फ मानसिक रोगों में काम करती हैं और मेंटल अगर डिसीजेस होती हैं तभी इन रेमडी को याद किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। ये मानसिक रोग रोग के साथ साथ ये अन्य डिसीजेस के ऊपर भी इनके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है वीडियो में हम बताते हैं, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती है सबसे पहले वो हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित करती है, उसके बाद उसके जनरल्स और फिजिकल सिम्टम्स हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी जनरल या फिजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिले उनके मेंटल सिम्टम्स को आप ऑब्जर्व करें, देखें और उसके हिसाब से अगर उनको रेमडी दिया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए तो उनकी सभी बीमारियां चली जाती हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, ऐसे कई सक्सेस स्टोरी है कि हम इस रेमडी के माध्यम से उनके जो फिजिकल और जनरल डिसीजेस हैं उसको हम ठीक करने का प्रयास करते हैं और होती हैं। फ्रेंड्स ऐसे कई उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स डॉक्टर एडवर्ड वाइस साहब ने शुरू में ही कह दिया है कि कोई भी बीमारी है वो शुरुआत और उसकी जो जड़ है वो हमारे मन और मस्तिष्क को ही प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। अगर हम उसको ठीक कर दें तो बीमारी रहेगी ही नहीं। उसी फार्मूले के आधार पे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, वो काम करते हैं और इसका लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं 36 नंबर की जो रेमडी है, आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इस रेमडी का मेडिसिनल नेम क्या है, यानी कि वाइस फ्लावर मेडिसिनल नेम क्या है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। फ्रेंड्स इसका कॉमन नेम क्या है, कौन सा पार्ट यूज होता है रेमडी बनाने के लिए, इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक क्या क्या हैं और इसके वाइस फ्लावर मेडिसिनल यूजेस के ऊपर बात करेंगे तथा इसके जनरल सिम्टम्स यानी कि वाइस फ्लावर मेंटल सिम्टम्स के अलावा अगर शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स में ये रेमडी काम करती है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके पहले आप चैनल में नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्रभावी रेमडीज हैं। आप हमारे पुराने वीडियो देखिएगा, उसमें डिटेल में हमने बहुत सारी बातें किया है। तो फ्रेंड्स ये जो रेमडी है, इस रेमडी का नेम है वाइल्ड ओट के नाम से जानी जाती है, WILDOAT। फ्रेंड्स इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है अवेना फैटुआ के नाम से जानी जाती है। इसका जो इसको फ्रेंड्स कॉमन नेम भी कह सकते हैं या कि जिस नाम से जानी जाती है, ये ग्रास इन द ओट जीनस है फ्रेंड्स। और इसका जो कॉमन नेम है कॉमन वाइल्ड ओट और इसको स्प्रिंग वाइल्ड ओट भी कहा जाता है, यानी कि ग्रास इन द ओट जीनस, यानी कि किस जीनस की है ये, ओट जीनस की है। एक प्रकार के घास होती है फ्रेंड्स, उससे बनी हुई है रेमडी, यानी कि उसके फूलों से बनी हुई ये रेमडी है। अब बात करेंगे इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि रासायनिक घटक, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक घटक हैं। इसमें से वेनिलिन पाया जाता है, प्रोटोकैटिडिन पाया जाता है फ्रेंड्स इसमें से, इसके साथ साथ इसमें से हाइड्रेट पी और टर्मरिक एसिड्स, फ्यूमरिक एसिड्स एंड कैफ्रिक एसिड इसमें से पाई जाती है, जो निश्चित तौर पर बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसा अपन ने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, ये तो जनरली सभी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन जो स्पेशली इसमें से कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो हमने बताने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स ये जो रेमडी है, अब हम बात करेंगे वाइस फ्लावर मेडिसिनल के बारे में। ये रेमडी बहुत ही प्रभावी रेमडी है, ये ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर काम करती है जो अनिश्चित होते हैं फ्रेंड्स, कोई निश्चित उनके जीवन में नहीं होता, यानी कि अनसर्टेनिटी के जो पर्सनालिटी होते हैं ऐसे कंडीशन के ऊपर ये रेमडी बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि अनिश्चितता अनसर्टेनिटी कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। यह फैसला ना कर पाना कि हम कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें, अगर ये थॉट है, ये थिंकिंग है ऐसे पेशेंट को आप देंगे तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा काम करने वाली है रेमेडी है फ्रेंड्स। इसीलिए अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम करें कि ना करें, क्या करें क्या ना करें, वो कुल मिलाकर निर्णय ही नहीं ले पाते। ऐसे कंडीशन में आपको वाइल्ड ओट को याद करना चाहिए, ये बहुत ही यूनिक रेमेडी है फ्रेंड्स।
तो हम बात करेंगे इसके जो जनरल मेडिसिन यूजेस हैं। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करते हैं नर्वसनेस, यानी कि जैसा कि अपन ने बताया कि जो सडनेस रहते हैं, दुखी रहते हैं, नर्वस रहते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। ये हेडक के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, जिनको बार बार सर में दर्द रहता है। डिप्रेशन के ऊपर काम करने वाली रेमेडी है। टेंशन, जिनको बार बार किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। ये इंसोमिया, अनिद्रा के ऊपर काम करने वाली रेमेडी है। इपिलेप्सी, यानी कि जिनको बार बार मिर्गी या चक्कर के जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर ये काम करती है। ये एंजियस पर्सन, यानी कि जो किसी न किसी चीज़ से डर जाते हैं, उसके ऊपर ये काम करती है। सडनेस कंडीशन के लिए भी ये जानी जाती है। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक रखती है। ये हमारे हार्मोन को एक्टिव करती है, जिससे कि इंसान धीरे धीरे वो स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा।